मनी यानी पैसा, ये जिसके भी पास है सब कुछ उसके आगे पीछे घूमता है। पैसा है तो रिश्तेदार हैं, दोस्त है, घर वाले हैं। पैसा नहीं है तो आपके लिए कोई नहीं है। कहते हैं ना, गरीब का कोई दोस्त नहीं होता। अगर कभी आपको अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को परखना हो तो उनसे पैसे मांग कर देखना, जो परेशानी में भी काम आए वही सच्चा दोस्त है। कहते हैं पैसा हाथ का मैल है, पर यही मैल, यही कागज़ के टुकड़े आपको सब कुछ दे सकते हैं। पैसों को खाया नहीं जा सकता, पर पैसे ही आपको वो सब खाने को दे सकते हैं जो आप चाहे। जिसके पास पैसा है दुनिया में उसी की कद्र होती है, गरीब को तो कोई पूछता भी नहीं। आपके पास जितना पैसा है उसे देखकर ही सामने वाला ये पता लगाता है कि आपकी क्या औकात है। यही कागज़ के टुकड़े लोगों को आपकी उंगलियों पर नचा सकते हैं। पैसे सब कुछ नहीं है, पर यह भी सच है कि इनसे आप सब कुछ खरीद सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो जहां आपका मन करे, कोई भी स्मार्टफोन जैसे आईफोन खरीद सकते हो, कोई भी गाड़ी खरीद सकते हो, जो आपका मन करे वो आप कर सकते हो पैसों की मदद से। तो आज हम बात करेंगे टॉप 5 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट मनी के बारे में। फैक्ट नंबर 5, ये फैक्ट है कि बचपन में हमारे पास एनर्जी होती है, खाली समय होता है, पर पैसा नहीं होता। फिर जवानी में एनर्जी भी होती है और पैसा भी, पर वक्त नहीं होता। और बुढ़ापे में हमारे पास वक्त भी होता है और पैसा भी, पर एनर्जी नहीं होती। ये एक कड़वी सच्चाई है पैसों की। फैक्ट नंबर 4, अब ये भी जान लो कि दुनिया का 60-70% पैसा दुनिया के टॉप 10% अमीर लोगों के पास है, जैसे जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग और मुकेश अंबानी, और सिर्फ 20-30% ही बाकी दुनिया के लोगों के पास है। और वही टॉप 10% लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उनके पास है दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पैसा। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के टोटल पैसे में से सिर्फ 8% ही फिजिकल मनी है, यानी वो पैसा जो कि नोटों और सिक्कों के रूप में है। ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं, पर उतने भी नहीं, क्योंकि आज हम एक डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं जिसमें 92% पैसा डिजिटल फॉर्म में है। वो पैसे डिजिटली ट्रांसफ़र किए जाते हैं अमेज़ॉन पे, पेटीएम और गूगल पे जैसे प्लेटफॉर्म की मदद से। फैक्ट नंबर 2, सन 1954 से लेकर 1978 तक इंडिया में 5000 और 10000 के नोट्स भी सर्कुलेशन में थे, और आज के टाइम का जो सबसे बड़ा नोट है वो 2000 का है, और डीमोनेटाइजेशन से पहले 1000 का नोट ही सबसे बड़ा था। फैक्ट नंबर 1, ये है सबसे चौंकाने वाला फैक्ट। आज एक $1 की कीमत भारतीय रुपयों में कितनी है? 60-70 के बीच। पर एक समय था 1917 का, जब एक रुपये की कीमत $13 से भी ज़्यादा थी, जो 1947 तक आते आते एक रुपये बराबर $1 हो गई। इन अंग्रेज़ों ने हमारे भारत को कई सौ साल पीछे फेंक दिया, पर अब ये हमारे हाथ में है कि हम हार मान ले या उठकर ऐसे दौड़े कि सबको पीछे छोड़ दे। आज भारत दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। भारत का इसरो यानी इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की सबसे स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस में से एक बन चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें।